नहीं, मैं नहीं चाहता। चुप रहो वरना मैं तुम्हें इस स्नोमैन के पास रख दूंगी। पड़े रहना। तुम एक बहुत ही गंदी औरत हो। एक प्रेग्नेंट औरत को सब कुछ बुरा लगता है। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। हम अभी जा रहे हैं इस घर में, समझे? कितनी शर्मनाक बात है। हेलो, तो आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अंकल, मेरे फेवरेट। एक घंटे पहले इसने मुझे बेवकूफ कहा था। उप्स, मेरे को लग रहा है बीमार है। अरे अंकल, बेहोश मत हो, वसीयत का क्या होगा? मिस्टर नेट, उठो। अच्छा तो ठीक है, चलो घर के अंदर चलते हैं। ये होता है घर, उम्मीद है कि जल्दी हमारा होगा। ओ, मेरे पेट में खुजली हो रही है। तुम बैठे क्यों हो? मेरे पैरों की मालिश करो। जैसा तुम चाहो डार्लिंग। ओ, गुदगुदी होती है। मैंने कहा गुदगुदी। दूर रहो, बहरे हो क्या? अच्छा तो मिलो हमारे नए मेहमानों से, ईवा और क्रिस। बिल्कुल नहीं। क्या तुम भी प्रेग्नेंट हो? हाँ, और मेरा बच्चा अंकल को ज्यादा प्यारा है। बिल्कुल, घर के बाहर जाओ। जैक, इस पागल औरत को काबू करो। तुम भला किसे पागल बुला रहे हो? तुम्हारी ईवा सबसे ज्यादा पागल है, समझे? बस करो, तुम दोनों शांत क्यों नहीं हो जाते? मेरा दिल अब और नहीं झेल पाएगा। मैंने झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया तुम लोगों को, मुझे बस ये देखना कि तुम में से कौन घर का हकदार है। अंकल, ये यहाँ क्या कर रही है? असल में हम यहाँ विरासत के लिए आए हैं। अच्छा तो लड़कियों, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ। मैं और आंटी नीटा चुनेंगे कि तुम में से कौन सा ऐसा कजन है जो कि इस घर का सही हकदार है। बच्चा हो रहा है, बच्चा हो रहा है। बच्चा हो रहा है। देखो अंकल नेट, हमें आपकी मदद चाहिए। ये नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है और जानबूझकर चिल्ला रही है। मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम में से कोई प्रेग्नेंट होगा। तुम अभी तो हाई स्कूल से निकले हो। तुम बस इतना बताओ कि विरासत किसे मिलने वाली है। अच्छा ठीक है, तुम लोग बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, शायद ये घर उसका हो जाए जो बच्चे को पहले जन्म देगा। प्रेग्नेंट औरत को अकेला छोड़ दो अभी इसी वक्त। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम भला यहाँ पर क्या कर रही हो? और फिर से नकली पेट लगा लिया? अगर अगली बार तुमने मेरे पेट को छुआ, तुम नकली हो। मुझे जाने दो यार। मेरे पति को धमकाना बंद करो। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बीफ को बनाने की अच्छी कोशिश है। अब ठीक लग रहा है। मेरी ब्रांडेड चीजें, तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी है? तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो भिखारी हो। हम अंकल को बता देंगे कि ईवा प्रेग्नेंट नहीं है और सारी विरासत हमें मिलेगी। बमुश्किल आ पाई। हेलो रिश्तेदारों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो उसका पेट भी निकला हुआ है। हाँ, मैं यहाँ विरासत के लिए आई हूँ और जन्म देने। क्या बकवास है, कचरे में जाओ। तुम्हारा घर वही है और हमें अपना रिश्तेदार कहना बंद करो। मुझे पता था कि तुम यहाँ आने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। तुम इसे खा नहीं सकते लेकिन इसे सूंघ सकते हो। इसे दूर हटाओ। रुको, मैं भी आता हूँ। बिल्कुल सही, रूम खाली है। हाँ बेबी। ओह, तुम लाख क्यों मार रहे हो, खुशी के मारे? अच्छा तो लड़कियों, चलो इधर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लेकर आया हूँ।
पहले मैं जैक। डार्लिंग, तुम्हें इतनी तेज नहीं भागना चाहिए। चुप रहो, दरवाजे के पास खड़े रहो और किसी को अंदर मत आने दो। तो एलिस, ये वाला तुम्हारा है। कैंडीज, कुकीज, वाओ, चिप्स। एलिस, तुम क्या कर रही हो? उन चीजों को अलग अलग खाना होता है। अंकल, मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या आप भूल गए? क्या आपको ये चाहिए? अरे हटा उसको। कहाँ पर गए बाकी सब लोग? अंकल, मैं आपको बताना चाहती थी, हम बच्चे का नाम आपके नाम पर रखने जा रहे हैं। वाह, तुम सच में मेरा नाम देने वाली हो? इसके बावजूद वो लड़की हुई तब भी? बेशक, बस मुझे अपनी जायदाद दे दो। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया। लेकिन अंकल, मैं प्रेग्नेंट हूँ और दुखी भी, मैंने अपना सारा पैसा खो दिया। तो क्या सब कुछ सेटल हो गया? क्या पैसे हमें मिलेंगे? चुप रहो बेवकूफ। ओप्स, सॉरी। ज़ैक, तुम्हें शर्म नहीं है ये करते हुए? कितना बढ़िया है। ज़ैक, क्या तुम इसे फिर से कर सकते हो? तुम क्या कर रही हो? मैं एलीट मेथड से क्लास ले रही हूँ और तुम कुछ भी नहीं समझती क्योंकि तुम एक रईस मान नहीं हो। ओह, अब मैं देखती हूँ अब क्या करोगी। तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरी महंगी गेंद को बर्बाद कर दिया। रुको, अभी बताती हूँ। ऐसे मत भागो, बच्चा पेट में है। मुझे इसकी जरूरत नहीं। लड़कियों, रुक जाओ, तुम लोग माँ बनने वाली हो। ये हंगामा क्या है लड़कियों? हेलो। आंटी अनीता। उफ, शायद ये खुशी थी। तुम सब प्रेग्नेंट हो? ओ, हम अंकल को इस बारे में बता सकते हैं और जायदाद हमें मिल जाएगी। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंकल लेट। आंटी अनीता यहाँ बीमार है। ये कैसे मुमकिन है? तुम पार्टियों में नहीं जा पाओगी, तुम्हें डायपर बदलने पड़ेंगे। मेरे पास उसके लिए एक क्लीनर है। मेरे पास पति है और मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ। डार्लिंग, हम अपनी प्रॉपर्टी इन तीनों में से किसी एक को देने वाले थे, लेकिन अब तक डिसाइड नहीं किया किसको दें। क्या इस वजह से तुम लोगों ने अचानक ये तय किया कि तुम प्रेग्नेंट हो जायदाद के लिए? नहीं, हम सच में प्रेग्नेंट हैं। हम अभी पता लगाएंगे, तुम्हारा टेस्ट होगा और हम देखेंगे। क्या बात की है मेरी जान। क्रिस, टेस्ट का कुछ करो। इस पे सुसु करो। ठीक है। मूर्ख मत बनो, तुम्हें दूसरी लाइन बनानी पड़ेगी। हम पकड़े जाएंगे। हे भगवान, शायद अनीता आंटी के पास नेल पॉलिश है, हम इसे कर लेंगे। कितना बुरा था, अब इसमें कोई मत जाना। बेबी, तुमने कुछ नहीं देखा, जाओ टेस्ट कर लो अपना। मुझे डर लग रहा है। हाँ, हमें विरासत भी तो चाहिए, समझ रही हो ना? छी, ये किसने किया? अजीब है, तुम सब प्रेग्नेंट हो। बेशक, हम आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आप हमारी फेवरेट आंटी हो। हे, आंटी को गले लगाने दो। मैं इस पेट के साथ कैसे रह सकती हूँ? ये पकाऊ है। हाँ, ये क्या? गुड आफ्टरनून, मैं यहाँ काम करती हूँ। चली जाओ यहाँ से। पर मुझे काम तो करना होगा।
लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। मुझे माफ करना, पर मुझे सफाई तो करनी होगी। अब तुम जाओगी। अरे नहीं, ये तो नया वैक्यूम क्लीनर था। तुम क्यों चिल्ला रही हो एलिस, ऐसा मत करो। अब तुम, मैं आराम करना चाहती हूँ। सब बाहर में जाओ। मिस्टर नेट की भतीजी कितनी एहसान फरामोश है। वाह, क्या खुशबू है। लगता है यहाँ से आ रही है। हाँ, वहाँ कचरा और धूल है। हाँ, मुझे इसी की जरूरत थी। आहा, ये प्रेग्नेंट औरत तो पक्का पागल है। वाओ, एक ब्रेसलेट। हाँ, वो क्या है? मेरा ब्रेसलेट गिर गया है, क्या तुमने इसे देखा है? नहीं, अगर मुझे मिल गया तो मैं जरूर वापस कर दूंगी। ध्यान रखना। उसके पास पहले से ही पैसा है, मुझे नहीं लगता उसे परेशानी होगी। हाँ? धत, तुम यहाँ थी? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ओ। बच्चों, क्योंकि तुम्हारे बच्चे होने वाले हैं, हम देखना चाहते हैं कि तुम लोग कितने तैयार हो। पहले जायदाद का निपटारा कर लें। नहीं, तुम पहले हमें समझाने वाली कि तुम बच्चे कैसे पालोगे। मैं नहीं करूंगी, ये बकवास है। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, ये अच्छा आइडिया है। मेरे पास बेहतर आइडिया है। क्रिस और जैक हमें दिखाएंगे बच्चे को कैसे लपेटना है। आसान है, मैं उसमें सबसे अच्छा हूँ। तो चलो बच्चों, शुरू हो जाओ। क्रिस, ये बहुत बड़ा है। अगर मेरे को बेटा होएगा तो उसके बढ़ने के लिए जगह चाहिए ना। ये बकवास चीज किस लिए है? तुम्हें नहीं लगता वो जगह थोड़ी सी गलत है? कितना फनी है। ज़ैक, तुम सबसे अच्छे पापा बनोगे। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेली हूँ। क्या बकवास है, मुझे कुछ पसंद नहीं। लड़कियों, शायद तुम बच्चों को लपेटने की कोशिश कर सकती हो। मेरे पास कुछ है, मेरे बच्चे के पास सबसे अच्छे डायपर्स होंगे। बेशक, लेकिन मेरा बेहतर है। लड़कियों, ये सही नहीं है, मैं अपने बच्चे को टॉयलेट पेपर में लपेट दूंगी। तुम्हें मजाक करना पसंद है एरियल। हे, वो मजाक नहीं था। हाय सब्सक्राइबर्स, आपको मेरा पेट कैसा लगा? कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये लड़का होगा या लड़की। वाओ, मैं इस फोटो में बहुत ही अच्छी लग रही हूँ। ओह, तुम्हारे पास इतना पुराना आईफोन है, शर्मनाक। हटो यहाँ से। दिलचस्प, वो क्या कर रहे हैं? मैंने इसे अभी तक नहीं देखा। ए लड़कियाँ। अच्छा तो ठीक है, तुम सभी को जाके आंटी नीटा की मदद करनी है। ओ, 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 मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे, मैं ये पहले करना चाहती थी। अंकल, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। आह, 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 मेरा भी पेट दर्द कर रहा है। हाँ लड़कियों, तुम लोग ये क्या बात कर रही हो? प्रेग्नेंट होना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या? हम आपको दिखाएंगे कि कैसा लगता है। तो ये कैसा रहेगा? मैंने बोला तो था ये उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ? ठीक है, अब तकिया उठाइए। हाँ,
मेरी कमर में लचक आ गया लगता है। अब आपको पता लगा कि हम कैसा महसूस करते हैं? मुझे उसके लिए सच में माफ कर दो, मुझे समझ नहीं आया था। आंटी अनीता, मैं आ रही हूँ। तो तुम मेरी मदद करोगी? बेशक, मैं सबसे अच्छी भतीजी हूँ और जायदाद पाने की सबसे योग्य। आंटी, जाओ यहाँ से। तुम जाओ, मैं मदद करना चाहती हूँ। बिल्कुल, लड़ो मत, चलो एक साथ करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये खाने लायक है। क्या, ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए खास खाना है। चॉकलेट और स्प्रेड के साथ पिज्जा, मुरब्बा के साथ मैक्रोनी, स्वादिष्ट। नहीं, मैं नहीं खा सकती। ओह, बदबू आ रही है। शानदार है, स्वादिष्ट। लड़कियों, मुझे लगता है केवल एरियल ही प्रेग्नेंट है। आप गलत हो। बेसन कहाँ है? मुझे उल्टी करनी है। मुझे समझ नहीं आया, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? स्वादिष्ट है। आंटी, क्या हम कुछ और पका सकते हैं? उम्मीद करता हूँ तुम्हारे अंकल हमें जायदाद दे देंगे। मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता अपना। चिंता मत करो, जायदाद हमारी होगी। एलिस, जैक, मेरे पास एक सवाल है। तुम देखना, वो अब हमें ही देंगे। जैक, क्या तुम डिलीवरी के वक्त इसके साथ रहोगे? हाँ। नहीं रहूँगा। हाँ या फिर ना? बेशक ये रुकेगा, हम तैयार हैं और जैक मेरा ख्याल रखेगा। जैक शायद अभी इसके लिए तैयार नहीं है। कमजोर। मैं चेंज करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। क्रिस, तुम कितने केयरिंग हो। वाओ, अरे तुम तो बहुत भारी हो गई हो भैया। क्या तुमने मुझे मोटा कहा? क्या तुम पागल हो? बस करो, रुक जाओ, मैं तुम्हारी चेंज करने में मदद करता हूँ। तुमने मेरी फेवरेट शर्ट फाड़ दी, बहुत हुआ, रुको जरा। मुझे बचाओ। तुम तो गए। वाह, ओह, एक शर्ट नहीं है। वाह, मेरे साइज की, और पेट में छेद भी है। वाह, अब मैं फैशनेबल हूँ और बच्चा बेहतर सांस लेगा। क्या तुमने मेरी शर्ट फाड़ दी? ये कचड़े में पड़ी हुई थी, मुझे नहीं लगता किसी को इसकी जरूरत है। तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं। मुझे मारो मत। ईवा, तुम एरियल पर चिल्ला क्यों रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस प्रेग्नेंट औरत ने मेरा सामान खराब कर दिया। हाँ तो तुम्हें जायदाद नहीं चाहिए ना? क्या, क्यों? हम सोचेंगे कि तुम्हें कुछ देना चाहिए या नहीं। देखो आंटी अनीता, मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? नहीं, मुझे तुमसे नफरत है और मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें बाहर फेंक देंगे और तुम्हें कोई जायदाद नहीं मिलेगी। प्यारी भतीजियो, हमने अब तक ये तय नहीं किया है कि जायदाद किसे देनी है। क्या, इसमें कितना टाइम लगेगा? डिसाइड करना इतना मुश्किल क्यों है? फैसला साफ है, जायदाद हमारी है। वो हमारी है। बकते रहे। शांत हो जाओ, पहले हम ये देखेंगे कि तुम्हारे पास किस तरह का झूला है बच्चों का।
हम उसे जज करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि हमारी जायदाद आखिर किसको मिलने वाली है। ओ, देखो ये हमारा पालना है। आखिर किस तरह की चादर है ये? तुम तो काफी अमीर थी ना? अंकल, हम दिवालिया होने वाले हैं और ये आखिरी चीज है जिसके लिए हमारे पास पैसा था। सुनिए अंकल, हम बहुत पहले ही दिवालिया हो चुके हैं। हमारे पास कंबल खरीदने तक के पैसे नहीं है अपने बच्चे के लिए। खराब एक्टिंग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एरियल, तुम्हारे पास क्या है? ये रहा, मेरे पास इतना ही पैसा था। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें इसके लिए पैसे जरूर देंगे। अरे ये गरीब लड़की, उन्होंने पहले ही उसे पैसे देने का वादा कर दिया। हमें इसके बारे में सोचने के लिए और टाइम चाहिए। मैं तंग आ चुकी हूँ, बेहतर होगा कि मैं मैनिक्योर करा लूँ। पर तुम तो काफी गरीब थी ना? प्रेग्नेंट होना काफी मुश्किल है ना? बिल्कुल, मुझे इस पेट के साथ हिप्पो जैसा लग रहा है। हमारे पास डील है, प्रेग्नेंट औरतों के लिए $300। ओह इतना सस्ता, कमाल है। ओह लगता है कि कुछ हो रहा है। क्या तुम्हें मैनिक्योर पसंद नहीं आया? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? बच्चा होने वाला है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, मैनिक्योर करो, मैं इसके बिना कहीं नहीं जा सकती। हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। चुप रहो और करो, जब तक ये नहीं होगा तब तक बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इतना तेज। ईवा, क्या बच्चा होने वाला है? चलो अस्पताल चलते हैं। क्रिस, उसे पकड़ो और उसकी मदद करो। नहीं, मैनिक्योर बंद मत करो। बेटी मेरे पीछे आओ, मैनिक्योर बंद मत करो। लगता है कि ईवा को जायदाद मिलेगी। वाकई शानदार, ईवा जन्म दो, अब वह पैसे देना चाहते हो? मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। मैनिक्योर पूरा होने ही वाला है। ईवा, ये मजाक नहीं है। ईवा, तुमने अभी तक जन्म नहीं दिया। मैं कुछ ही मिनटों में बच्चे को जन्म दूंगी और जायदाद मेरी हो जाएगी। लो, तुम्हारा मैनिक्योर खत्म हो गया है, अब तुम बच्चे को जन्म दे सकते हो। मुझे लग रहा है अभी बच्चा बाहर नहीं आ रहा। कैसे? मुझे नहीं पता। सुनो, मैं तंग आ चुकी हूँ, हम हॉस्पिटल में हैं और हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। हमें इसकी क्या जरूरत है? मुझे शक है तुम लोग प्रेग्नेंट हो या नहीं। चलो अल्ट्रासाउंड करते हैं। ओहो, चलो देखते हैं यहाँ कौन है। आराम से। अच्छा तो फिर कौन है? मैं पैसे से प्यार करती हूँ, मुझे खुशी है कि मेरी माँ अमीर है और जल्द ही जायदाद मिल जाएगी। ये क्या है? वाओ, तुम्हारा बच्चा तो पैसे में तैर रहा है, ये तो कमाल हो गया। बढ़िया, अब एलिस का टेस्ट करते हैं। उम्मीद है वो प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ कौन है? ये गुदगुदी। गुदगुदी होती है। मैं तो ब्यूटी सैलून में जाने का इंतजार कर रही हूँ। और अंकल और आंटी मुझे पैसे देने वाले हैं। वूहू, मजेदार लाइफ। तुम्हारा बच्चा एक फैशनिस्ट होने वाला है। तुम सच में प्रेग्नेंट हो? हद है। बेशक आंटी, मैं आपसे कैसे झूठ बोल सकती हूँ। क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं तुम्हें खाना बाद में दूंगी, लेकिन अभी हम टेस्ट करेंगे। मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। क्लियर है, तुम सब प्रेग्नेंट हो। एरियल, चलो चलते हैं। तो तुम मुझे खाना खिलाओगी या नहीं? मुझे लगता है कंप्यूटर खराब हो गया है। अरे नहीं, इसने उन प्रेग्नेंट औरतों का गलत अल्ट्रासाउंड दिखाया। ये सब मेरा है, मेरा।
हाँ, वो अभी भी यहाँ क्या कर रही है? पति नहीं, पैसे नहीं, दिमाग नहीं, उसे आश्रम में जाना चाहिए। लड़कियों, मैंने टेबल लगाया है, बैठ जाओ। नॉर्मल खाना कहाँ है? अच्छा, सैलेड? लाल केकड़ा कहाँ है? मुझे और मेरे बच्चे को ये बकवास खाना मत खिलाओ। बेबी, क्या तुम ये बदबूदार सॉसेज खाओगे? इसे दूर ले जाओ। देखा, मेरा बच्चा ये नहीं खाना चाहता। तुम्हें ये खाने की जरूरत नहीं है। मैं देख पा रही हूँ, मुझे दिख रहा है, अब मैं आपको प्रेग्नेंट औरतों के बारे में सब कुछ बताऊंगी। हाँ बताओ, हम सच जानना चाहते हैं। मुझसे कोई प्रश्न पूछो। क्या वो वाकई में प्रेग्नेंट हैं या फिर ये सब जायदाद के लिए है? क्या बढ़िया खाना है। जायदाद ना भी मिले, कम से कम खाना तो है। आइसक्रीम और अचार, मैंने इसे बेहतर खाना नहीं खाया। ये बहुत भारी है। जैक, यहाँ आओ, मैं चल रही हूँ। डार्लिंग, मैं आ गया। और अब? और तेज, ये घुटन भरा है। अब क्या ये अच्छा है? नहीं। बहुत हो गया, क्यों मार रही हो? पागल हो क्या? मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे नॉर्मल लग्जरी भोजन दिया। और मेरा बच्चा कहाँ है? हे, छोटे बच्चे, दूर हटो, तुम्हारी बेबी डॉग मुझे पका रही है। हाँ, वो सच में प्रेग्नेंट है। अरे नहीं, अब प्रॉपर्टी को हम उन तीनों में कैसे बांटेंगे? मैंने कहा था हमारी भतीजिया प्रॉब्लम्स खड़ी करेगी। मुझे $1,000 चाहिए। क्या? ये कुछ ज्यादा ही है। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों पर जादू कर दूं? ले लो, बस हमें कुछ मत करो। जल्दी करो, तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो? डार्लिंग, मुझे लगता है हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। देखो यहाँ कितना सोना है, हम ईवा से भी अमीर बन सकते हैं। और जायदाद का क्या होगा? हमारे पास वो भी होगी, अंकल को पता नहीं चलेगा, चिंता मत करो। और कितना भर पाओगी तुम उसमें? किसी पेड़ की तरह खड़े मत रहो, मदद करो। तो आखिर ये सब क्या चल रहा है? हम हार गए। अंकल, हम यहाँ अंदर आए और देखा कि सोना किसी ने यहाँ इधर उधर फेंका है, हम ये वापस रख रहे थे। हाँ, हम वापस ही रख रहे थे इसको। कितनी ज्यादा अच्छी भांजी है मेरे। हाँ, आप मुझे जायदाद देना। क्रिस। अपना पेट अंदर करो, सोना फिट नहीं होगा। क्या ये मेरे पैंट में बनेगा? सबको दिख जाएगा। अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें क्या लगता है काम करेगा? बेशक, तुम कहना कि तुम जिम कर रहे हो और किसी का ध्यान सोने पर नहीं जाएगा। और अब हमारी प्रेग्नेंट औरतों के लिए एक पार्टी। क्रिस, तुम्हारे हाथों में क्या है? मैंने कल से जिम शुरू कर दी है। तो फिर डांस कौन करने वाला है? हम चाहते हैं। डार्लिंग, तुम्हारा पेट कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है? और तुम्हारी जीभ लंबी है। मैं घूम रहा हूँ। मुझे छोड़ दो बेवकूफ, मुझे उल्टी आ रही है। सॉरी यार, मैं भूल गया था कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेरे पति नहीं है अंकल, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं तो हमेशा से अपनी भांजी के साथ डांस करना चाहता था। ओफ़,
वो क्या था? बस एक गाना, ला 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 ला। ओह, ये बदबू कैसी है? ओह, लड़कियों आओ जेंडर रिवील पार्टी करें। ओह, देखते हैं मेरे पास क्या है। ओह, आह। वाओ। मेरे पास क्या है? वो पैसे। अब मेरा गुब्बारा। क्या बढ़िया आइडिया है आंटी और अंकल, आप कमाल हो। और जायदाद कब आएगी? चलो चलते हैं, हम जल्दी बताते हैं। ये क्या? मुझे पूरी रात घर की सफाई करनी पड़ेगी। अच्छा तो सभी लड़कियों, हम जल्द ही बताने वाले हैं कि हमारी जायदाद कौन लेने वाला है, यानी कि जायदाद। मुझे उम्मीद है कि आपने हमें चुना है। खैर, मुझे उम्मीद है कि नहीं। हमने सब कुछ देने का फैसला किया है इसको। तो बेटी, हमारी सारी जायदाद अब से तुम्हारी है। क्या? क्या ये सच है मिस्टर नेट? हाँ, हमने देखा कि लड़कियां जायदाद के बिना ठीक रहेंगी, और तुम 15 साल से हमारे लिए काम कर रही हो, तुम इसके हकदार हो। ओ, शुक्रिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या बकवास चल रही है, जायदाद हमें नहीं मिली? ये क्या हो गया है, यहाँ तक हम क्यों आए? मुझे आपकी जायदाद की जरूरत नहीं है। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मैं अब आपकी भतीजी नहीं हूँ। अलविदा। तो ये अभी तक हमें धोखा दे रही थी। अरे नहीं, एरिया क्या तुम भी? मैं जन्म देने वाली हूँ, दर्द हो रहा है। ये रहा आपका बच्चा, तो क्या आपने सच में इसे इसी तरह लपेटने के लिए कहा था? हाँ, ये बहुत प्यारा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। एरियल, मैं आई हूँ और तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम्हारा बर्ताव अच्छा था, उन नकली लोगों की तरह नहीं। शुक्रिया। तो मैं अपनी बेटी को बेटी बुलाऊंगी, ये मुझे तुम्हारी याद दिलाएगा। बढ़िया, मुझे पता था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो इवा। किसने सोचा था? मुझे पैसे की परवाह नहीं, जरूरी बात ये है कि मेरे पास जैक है। हम ब्रेकअप कर रहे हैं। क्या? मैंने सोचा था तुम अमीर होगी और तुम्हें जायदाद मिलेगी, और अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हें छोड़ दिया। ईवा, मैं भी जा रहा हूँ अब। ओह, तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, समझे? पैसा होना बहुत अच्छा है, क्या हम छुट्टी पर स्पेन चलें? चलो चलें। जरा इस भिखारी को देखो, इसके पास लेटेस्ट कलेक्शन का फर कोट क्यों है? तो लड़कियों, मुझसे चलन हो रही है, अब तुम हो गरीब। ओ, मेरे बच्चे को गरीबी से एलर्जी है, चलो जल्दी से इन बदबूदार भिखारियों से दूर हो जाएं। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? अब हमारे पास ना तो पैसा है, ना ही पति, और ना ही कोई जायदाद। हमने उन्हें अच्छा बेवकूफ बनाया है ना? हाँ, गुड़िया को बच्चे की तरह रखना अच्छा आइडिया था। शायद जो पहले बच्चे को जन्म देगी सब कुछ उसका होगा। तुम? रुको। हेलो रिश्तेदारों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब देखो। मैं इसमें सबसे अच्छा हूँ। बच्चा क्या है? चलो सब ठीक है, चलो टेक करते हैं। मैं भारी हूँ। हाँ? क्या तुम पागल हो? नहीं, रुको तुम। शांत हो जाओ। तो चलो अब हम।
हमारे पास ये खरीदने के भी पैसे नहीं। दोस्तों हम भी दिवालिया हो गए हैं। जैसे झूठ बोला तो चाटा भी। फिर से नहीं। हाँ अच्छा। <बना रही। laughs> ये।